पे देखिए ये किसान का जो है पंजीकरण सबमिट हो गया है, एक यहाँ पे आवेदन संख्या जो है पंजीकरण संख्या जनरेट हो गई। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि किसी भी किसान का सरकारी अनाज की जो खरीद होती है उसके लिए पंजीकरण दोस्तों किस तरह से करना है। कृषकों के अनाज को जो है खरीदने के लिए सरकार एक मूल्य को निर्धारित कर देती है जिस पर वो अनाज को बेच सकता है। इसके लिए किसान को पंजीकरण कराना होता है दोस्तों, इसके बिना वो जो है सरकारी खरीद के लिए जो है अनाज को नहीं बेच सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से उसका पंजीकरण करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको कहाँ जमा करना है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो दोस्तों भी बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और दोस्तों अगर किसी भी तरह की आपको पंजीकरण करने में कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों जानकारी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे दोस्तों आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर दोस्तों आपको उपलब्ध होते रहें। इसी तरह से दोस्तों इस चैनल पर आपको सारी जानकारियां जो है समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों जानकारी को शुरू करते हैं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप जो है किसान का किसी भी फसल के लिए जो किसी भी अनाज के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे चाहे उसका गेहूं हो, मक्का हो या धान की खरीद है तो किसी भी तरह के पंजीकरण यहाँ से आप कर सकते हैं। अनाज की खरीद है तो किसी भी किसान का पंजीकरण करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश खाद्य विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है आना होता है दोस्तों, ps.up.gov.in। दोस्तों इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से जो है आप डायरेक्ट आ सकते हैं। तो यहां पे देखिए दोस्तों राइट हैंड साइड पे खरीद हेतु किसान का पंजीकरण का लिंक दिया हुआ है, यहां पे आप क्लिक करके इस पेज पर जो है आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप जिस भी सीजन का जो है फसल का यहाँ पे जो है खरीद चल रहा होता है दोस्तों, वहाँ पे यहाँ पे शो कर देता है। यहाँ पे धान और मक्का की खरीद के लिए दोस्तों दिया है, तो यहाँ पे धान की खरीद हेतु मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऊपर सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप फोर, यहाँ पे दोस्तों 5-6 स्टेप जो है फॉलो करने। तो यहाँ से पंजीकरण प्रपत्र पर क्लिक करना होता है 2 नंबर पे दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पे जो है पेज खुल जाता है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना होता है, नीचे कैप्चा फिल करना होता है, किसान का मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो है देखिए पूरा डिटेल भरने के लिए फॉर्म को ओपन हो गया है। अब यहाँ पे जो है किसान का पूरा जो है डिटेल यहाँ पे फिल करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे पहले किसान का नाम आपको यहाँ पे डालना है, आपको इंग्लिश में डालना है लेकिन ये ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जो सेकेंड ऑप्शन है उसके बाद पिता का नाम, और यहाँ पे उसका जेंडर चूज करेंगे। जेंडर चूज करने के बाद नीचे जो है किसान का आधार संख्या भरना होता है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है, और उसके बाद ऑप्शनल मोबाइल नंबर सेकंड होता है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं दूसरा, नहीं है तो कोई छोड़ सकते हैं। उसके बाद किसान की श्रेणी यहाँ पे जिस भी कैटेगरी में वो आता है उसको चूज कर लें। नीचे जो है किसान की भूमि का विवरण दिया रहता है, यहाँ पे जो है खतौनी को देख के यहाँ पे आप एड्रेस डाल सकते हैं कि उसका जो खेत है वो किस उसमें है, रकबा जो दिया रहता है उसमें आप देख के यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे खाता संख्या मांग रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों खतौनी को देख के यहाँ से जो है खाता संख्या डालेंगे तो उसके बाद में सर्च करने के लिए आ जाएगा, उस खतौनी का सारा विवरण आ जाएगा। यहाँ से किसान का नाम चूज कर लेंगे, किसान का नाम सेलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे भूमि का विवरण जोड़े पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों नीचे जो है सारा डिटेल आ गया है, यहाँ पे कितने जो है बीघे में यहाँ पे दिया रखा है रकबा, उसमें आप देख के यहाँ से जो है फिल कर देंगे कि कितनी भूमि पर जो है अनाज को बोया गया है, पैदा हुआ है। तो यहाँ पर जो है आप डिटेल को भर लेंगे, उसके बाद सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ से जो है ऐड हो जाता है। तो यहाँ सुरक्षित करने पर क्लिक करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है डिटेल सारी ऐड हो गई है कि उसमें जो है कितना, उसके बाद में देखिए ये डिटेल को सुरक्षित कर दिया गया, इस तरह से एक पॉपअप आ जाता है, उसके बाद ओके करेंगे। तो दोस्तों अगर एक से ज़्यादा खतौनी है तो यहाँ पे दोस्तों दूसरा खाता नंबर भर के यहाँ से जो है भूमि का विवरण सेम इसी तरह से दोस्तों यहाँ से ऐड करते जाते हैं। एक से ज़्यादा खतौनी होने पर यहाँ पर जो है हम ऐड कर देंगे दोस्तों जितने भी होंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आता है किसान का विवरण, किसान की बैंक का विवरण और उसका जो है सारा डिटेल यहाँ पे जो दिया रहता है दोस्तों वो सारा फिल कर लेते हैं।
दोस्तों नीचे किसान का जो है एड्रेस और उसके बाद बैंकिंग डिटेल्स, उसका किस बैंक में अकाउंट है, किस जिले में है तथा उसका जो ब्रांच कौन सा है, उसका खाता नंबर, ये सारी डिटेल डालने के बाद यहाँ पे नीचे आप कैप्चा डाल के पंजीकरण करें पर क्लिक करेंगे तो ये जो है सबमिट हो जाता है। तो यहाँ पंजीकरण पर करें पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये किसान का जो है पंजीकरण सबमिट हो गया है। एक यहाँ पे आवेदन संख्या जो है पंजीकरण संख्या जनरेट हुई है तो इसका जो है प्रीव्यू खुल के आ गया है। यहाँ से दोस्तों आप चाहें तो प्रिंट करके इसको दिखा सकते हैं किसान को, ये आप जो है देख सकते हैं। इसमें कोई अगर गड़बड़ है तो आप जो है उसको एडिट करके इसका संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद अब दोस्तों ये इसको जो है फाइनल लॉक करना होता है, तो इसके लिए आपको फिर फाइनल लॉक करने के लिए आपको 5 नंबर पंजीकरण लॉक पे क्लिक करना है। वहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा फिल करेंगे, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हमने सारे डिटेल जो है मोबाइल नंबर डालने के बाद कैप्चा फिल कर लिया, उसके बाद इस पे आगे बढ़ने पर क्लिक किया तो देखिए ये जो है लॉक करें पर क्लिक करेंगे नीचे। तो दोस्तों यहाँ से जो है हमारा ओटीपी जो है सेंड हो गया है मोबाइल पे। आपने जो पहले मोबाइल नंबर डाल रखा था उस पे एक ओटीपी आता है, वो यहाँ ओटीपी डाल के आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ से जो है दोस्तों फाइनल सबमिट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा जो है फाइनल सबमिट हो चुका है, किसान का सारा डिटेल यहाँ से देख के दोस्तों सारी डिटेल यहाँ से जो है देख सकते हैं। इस तरह से किसी भी किसान का आप पंजीकरण करके उसको प्रिंट करके दे सकते हैं। इसके बाद इस प्रिंट के साथ किसान का कार्ड और बैंक पासबुक, साथ में उसकी खतौनी ऐड करके जो है दोस्तों उसको किसान को जो है अनाज विक्रय केंद्र पर जाना होता है। वहाँ पे जो है इसको ये सारा डिटेल जो है सबमिट कर देना होता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए दोस्तों, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर उपलब्ध होते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।